बता दे अभी हम जो है रुड़की में, और आपको बता दे आशीर्वाद यहाँ पर हर वर्ष की बात वर्ष यहाँ पर आज जो में यहाँ पर भागवत खत्म किया गया है वो यहाँ पर चल और जिसका रूप यहाँ पर समापन किया गया, साथ कथा व्यास जो परम पूज्य आचार्य से बात करेंगे सर, जो सात दिवस यहाँ पर रखी ज्ञान यज्ञ आप क्या कहना चाहेंगे रूप से समापन भी और काफी आ रहे हैं और समापन पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कहना चाहेंगे सात दिन की इस कथा अगवे बहुत तो सुखना संदराणे भाग्य भवेत निरंतर प्रचार प्रसार यही श्रृंखला में आज का कथा के पूरा इस पूर्णता के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं, निरंतर भरपूर प्यार सहयोग हमें मिले और सनातन संस्कृति घर घर तक और जन जन पहुंचाने का हमारे बच्चे युवा हों तो निरंतर बढ़े निरंतर देश से प्रेम अपने माता पिता का सम्मान करें, विचारधाराओं को हम हर बच्चे को प्रत्येक संस्कार और संस्कृति को दें, यही हमारा प्रयास। धूप के बिना कल्पना नहीं की सकते, के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता, रात के बिना दिन नहीं हो सकता, जब तक बुराइयां है समाज में भी नजर नहीं आती, लेकिन एक अच्छाई का जितने बरस तो ये हमारा प्रयास और ज्यादा से ज्यादा या विदेश दूसरे देशों तो शिक्षा के लिहाज से रहन सहन का हो का हो जॉब का हो व्यवसाय का तो बच्चे बजाय संस्कृति को अपनाने के पास अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अपने ही कहाँ है पूरा घूमना है, यहाँ की संस्कृति को जाना ही कहाँ है, यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि विश्व संस्कृति दिखाई नहीं देती है, पेड़ में पौधे में कण में का वास है, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ तो हर प्रकार से पवित्र यहाँ के माँ कल कल करके निकल रही है मोक्ष है। तो यहाँ के तीर्थ जो अकल्पनीय है की ओर सब भारत हैं उसकी संस्कृति से और हम लोग पश्चिम अग्रसर रहते हैं, वही हम लोगों का तोड़ना है, व्यक्ति भी पाल कर बैठा मैं करने वाला हूँ, तोड़ने के लिए भागवत कथा की जाती है। अच्छा, किया गया बताया जा रहा है भंडारे उसके बीच दर्शनार्थ और थे व्यासपीठ को थे सभी को हमने आशीष दी और इस हवन आदि के बाद जो है कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है, सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन किया जाएगा, तो 100 कन्याओं के बाद पूरा भंडारा हमारा प्रारंभ हो, कमेटी के पूरे जो भी मेंबर वो सब तन मन धन के साथ यहाँ पे लगे हुए हमारे साथ नहीं जा उन सबको आस पास उन सबको हमने ड्यूटी लगाई सेवा देनी है सबके सब बच्चे बड़े चाव से प्रसन्न है कि हमें टाइम टू टाइम कि किस तरह को किस राह पर आगे लाना और किस तरह से अगर वो सिखाते हैं दिनों में संयम में रहना, ये बात है कि संयम में रहना आजकल लोग भूल ही गए, संयम क्या होता है पूजा के कम संयम में रही, इसके अलावा सिखाया पंडित जी ने जाप ध्यान स्वाद की तरफ अग्रसर होना है, अपने बच्चों को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना है, वो जो चीज बच्चे जो है मीडिया का सहारा लेते हैं मीडिया देखते हैं अपनी यहाँ जब वो बैठे यहाँ पंडित जी को सुनेंगे और को सुनेंगे तो उनकी शिक्षा ग्रहण सबकॉन्शियस माइंड में सोशल मीडिया पे ना देख कर आना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा असली प्रेरणा एक अलग चीज है मीडिया मिसअंडरस्टैंडिंग तो लाइव ठीक। तो आपने सुना जो यहाँ महिलाएं हैं कह रही हैं कि जो गुरु जी ने जो कथा सात दिन के समय सीखने से बताई और उनकी शिक्षा से हमें सीख लेनी चाहिए, जो उन्होंने प्रवचन करा उससे सीख लेनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी और इस तरह के कार्यक्रम में चाहिए।